टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, कार को, गाड़ी को चलाया ऑन एक्स एक्सिस। अब चेक कर लो, सारी गाड़ियां एक्स पे चली हैं। अब गाड़ी वाई पे चलेगी? नहीं, गाड़ी वाई पे नहीं चलेगी। अब बॉल गिरेगी वाई एक्सिस पे, हम ड्रॉप करेंगे बॉल को वाई एक्सिस में, और वो नीचे गिरने में क्या समय लेगी, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। बस, तो या तो बॉल को ऊपर फेंकेंगे या बॉल को नीचे फेंकेंगे, तीसरा कुछ ना होना, बस यही दो केस है। आपको कि क्या ही बना लेगा बनाने वाला, क्या कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, देखते हैं। तो वो बॉल को कैसे फेंक सकता है, उसके ना कुछ केसेस हैं। उनमें से पहला केस मैं बताता हूं। जैसे सपोज करो, आपको क्वेश्चन में ऐसे कहा जाएगा कि सपोज एक बॉल है, उसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो। तो इस बॉल ने 98 मीटर डिस्टेंस कवर किया, आपको ये बताना है कि कितने समय में किया। अब आप अपने इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं इसमें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस भी कर सकते हैं, और s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ये तीनों इक्वेशन तब काम करती हैं जब एक्सेलेरेशन कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट है 9.8। अंडर ग्रेविटी 9.8 है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इन टू ए टी स्क्वायर, एस की जगह 98, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ एक्सेलरेशन। जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो लॉजिक समझो क्या है, जब ये बॉल नीचे गिरेगी तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे बढ़ने में नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, प्लस 9.8, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस में यूज करेंगे। तो यहां पर 9.8 इनटू टी का स्क्वायर सॉल्व करके क्या जाएगा, टाइप। मेथड समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई भी बॉडी अंडर ग्रेविटी नीचे गिरेगी, उसका जी 9.8 पॉजिटिव ही यूज होगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपने बॉल को ऊपर फेंका और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 98 मीटर, कितने समय में किया ये बताओ, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच गई, जब वो फेंकी गई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो, मतलब ठीक है जीरो। अब ये पेन उड़ेगा, नहीं तुमने कहा जीरो, ये जीरो कैसे हो सकता है, हाँ वी जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये मैं मान सकता हूं ऊपर जाके फॉर इंस्टेंट जीरो हो गई, तो अब जीरो कैसे होगी, कोई रॉकेट है, इंजन लगा है, धुआं छोड़ेगा फिर उड़ेगा, यू 1 2 3 4 5 6, भाई इसको अपने हाथ से एनर्जी देनी पड़ती है, वेलोसिटी देनी पड़ेगी तो ही ऊपर जाएगा, ऐसे बॉडी ऊपर नहीं जाती यू जीरो पे, तो यू कुछ तो देना पड़ेगा तभी ऊपर जाएगी, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ये यू है, सही है। तो आपको इसमें निकालना है समय, तो आप इसमें अप्लाई करें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह 98, इनिशियल वेलोसिटी 20 इनटू टाइम प्लस हाफ, लेकिन इस बार ऊपर जाने में वेलोसिटी घट रही है तो माइनस अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है इनटू टी का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करके टाइम की वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन को छोड़ो, मेथड समझ में आ रहा है, ऐसा लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे होगा। तो या तो वो न्यूमेरिकल आएगा या ऐसा न्यूमेरिकल आएगा या फिर आगे चलते हैं कैसा आएगा, अब ध्यान से देखना, या ऐसा कुछ आएगा कि सपोज करो आपके पास ये एक टावर है, ठीक, तीन केस ले रहा हूं मैं, एक दो और तीन, तीन, ठीक है, तीन केस हैं, ध्यान से देखना। इसमें पहला केस है हाइट ऑफ द टावर एच है, दूसरे में भी एच है, तीसरे में भी एच है। एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया, बस ड्रॉप किया गया, तो बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया और यहां से इस बॉल को नीचे फेंका गया विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, ठीक है। तीसरा, इस बॉल को ऊपर फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू। क्वेश्चन है, गिरेंगे तीनों बॉल जमीन पे गिरेंगी, टाइम बताना है कि कितने समय में ये नीचे गिरेगी। तो ये दो केस तो नॉर्मल है, आप अपनी नॉलेज से आराम से कर सकते हैं,
वो नॉर्मल नहीं है। उसको करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर है और उसका एक शॉर्टकट भी बताऊँगा। पहले दो नॉर्मल प्रोसीजर देख लें, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा कोई टेंशन नहीं है, कोई नई नॉलेज चाहिए नहीं आपको। बॉडी नीचे गिर रही है तो यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, तो एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, तो टाइम आ जाएगा अगर आपको एच गिवन है बात खत्म होती है। कोई डाउट इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप करने वाले केस में, ठीक है। नीचे फेंकने वाले केस में एच इज यू टी प्लस हाफ इंटू जी पॉजिटिव 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगी। एच में आपको क्वेश्चन में दूंगा, यू दूंगा, टाइम आ जाएगा। ये भी क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ये नॉर्मल नहीं है। देखो इससे प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि बॉल पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, ये प्रॉब्लम है। इसका एक लंबा तरीका है कि पहले आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, फिर आप यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, फिर आप यहां से यहां तक का टाइम निकालें, तीनों टाइम को ऐड करें T1, T2 एंड T3, टोटल टाइम आएगा। कोई डाउट इसमें? अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना तो या तो ये क्वेश्चन होगा या बाकी पेपर होगा, करते रहो, तीन क्वेश्चन के बराबर हो गया ये, पता नहीं हो रहा नहीं हो, मुझे क्वाड्रेटिक भी बननी है। तो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना तो टफ है, क्योंकि तीन पोर्शन में डिवाइड करके पहले यू निकालना, वी को जीरो लेना, फिर ये टाइम निकालना, फिर ये टाइम निकालना, फिर ये टाइम निकालना, क्योंकि ये टाइम निकालने के लिए ये वेलोसिटी भी चाहिए होगी आपको, तो लंबा काम है। इसका ना एक शॉर्टकट है फिजिक्स वालों के पास, एक सेकंड में आंसर आएगा, टाइम सीधा आएगा, और एक ही क्वेश्चन में पुट करके, तीन बार करना ही नहीं है, एक ही क्वेश्चन में पुट करके आंसर आएगा। पर वो शॉर्टकट सिर्फ इसमें चलता है, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए मुझे मत कहना मैंने शॉर्टकट लगाया, मैंने सिखाया ही नहीं। इसके अलावा आपकी बाकी नॉलेज जो चल रही है वही चलेगी, बस सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि टॉप ऑफ द टावर पे चढ़ के आपने बॉल को ऊपर फेंका और टोटल टाइम निकालने का शॉर्टकट है बस, और वो इसी में चलता और कहीं नहीं चलता, तो शॉर्टकट ये है। इसको करने का ये तरीका रखेंगे कि देखो हम अप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अप्लाई यही करेंगे और एक ही क्वेश्चन में आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले S का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, S मींस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। ये बताओ जब ये बॉडी यहां से चली और जमीन पे गिरी, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, बोलो, H की H से ज्यादा, H क्यों, यहां से ऊपर जाना और फिर नीचे आना, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, और यहां से यहां आना नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, h, ठीक है। तो इसके अंदर एक हम ये मानेंगे कि नीचे की जो डायरेक्शंस हैं वो पॉजिटिव है, है ना, एक एक्सिस मान लेंगे, नीचे की हर चीज पॉजिटिव मानेंगे। जैसे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी आपने बताया, h, तो बॉडी कहां वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, नीचे आते हुए कि ऊपर जाते हुए, ऑब्वियसली नीचे आते हुए कर रही है, तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, h, एक ही बारी में h। फिर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, जब कोई बॉडी नीचे गिरती है, नीचे आती है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है अगर डायरेक्शन क्या करे, चेंज, और यहां पर इसके मुकाबले डायरेक्शन चेंज होगी। देखो यहां पर यू नीचे था और यहां पर यू ऊपर है, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है इसमें, तो एच भी पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है और जी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो h पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी यहां पर ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। आप कहोगे सर बाद में तो नीचे हो गई होगी, लेकिन फेंकी कैसी थी, ऊपर, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, तो ये माइनस u पुट करना है और हाफ इनटू, क्योंकि बॉडी अल्टीमेटली नीचे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो g तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा और t का स्क्वायर। जब आप यहां से टाइम कैलकुलेट करेंगे ना, तो पता कौन सा टाइम आएगा, ये पूरा का पूरा टाइम एक सेकंड में आ जाएगा। आपको तीन बार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही गो में आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन ये क्वेश्चन करते ना लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं, उनको डर लगता है कि अगर नया क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या करना पड़ जाए, तो आएगा ही नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ हाइट ऑफ द टावर से अगर आपने बॉल को ऊपर फेंक दिया और आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़े, उसमें लगाना है लगा लो, अगर मान लो ये नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं, तुम फिर तीन बार ही क्वेश्चन कर लो, तुम इसका टाइम अलग निकाल लो,
इसका अलग निकाल लो, इसका अलग, वो तो पक्का सोल्यूशन है ही है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। बट अगर किसी को जल्दी करना है तो ये टेक्निक भी काम आ सकती है। तो मैंने शीट में लिख के दिए, हम करेंगे शीट्स के अंदर। बट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आज की असाइनमेंट में या कल की असाइनमेंट में अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा ट्राई करके देखेंगे तो आपका आंसर जल्दी आएगा, बस इतनी सी बात है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन है, आपको ये मिली है शीट आज, कि अगर आपको एक बॉल गिवन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप की गई है, हाइट 98 है, कितने समय में बॉल ग्राउंड को हिट करेगी, वाई एक्सिस में यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाइट कितनी है 98 है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर है, टाइम की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे ये मत करना, स्टोन वाली प्रॉब्लम ट्रिकी है, ये हमने नेक्स्ट टाइम के लिए रखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट ये करना है, ये आपको शीट मिली है एक और, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्प्लैश इज हर्ड आफ्टर 2.05 सेकेंड आफ्टर स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू द वेल ऑफ डेप्थ 19.6 मीटर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्वेश्चन है कि कोई ना स्प्लैश सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी, कब, जब एक पत्थर को ड्रॉप किया गया एक कुएं में जिसकी डेप्थ 19.6 मीटर है। तो जैसे डेप्थ 19.6 मीटर है तो ये लो, ये मैंने एक पत्थर लिया, इसको मैंने ड्रॉप किया, ठीक है। तो देखो स्लो मोशन में हुआ क्या, पहले पत्थर नीचे गया, पानी को हिट किया, हिट करके साउंड आई, वो साउंड ऊपर आई। तो पत्थर का नीचे जाना प्लस साउंड का ऊपर आना, टोटल समय आने और जाने का 2.05 सेकेंड है, ठीक है। आपको निकालना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है। आप बस मुझे ये बताओ कि पत्थर कितने समय में नीचे गया, तो आप पत्थर के लिए लगाएं एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह 19.6, इनिशियल वेलोसिटी की जगह जीरो, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम क्या आ गया 2 सेकेंड आ गया। तो 2 सेकेंड में स्टोर नीचे गया, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो साउंड कितने सेकेंड में ऊपर आई, टोटल 2.05 है, 2.05 में से जाने जाने का टाइम माइनस करो स्टोन का 2 सेकेंड, तो ऊपर साउंड कितनी देर में आएगी, 0.05 सेकेंड, सही है। साउंड की स्पीड तो देखो कांस्टेंट होती है, साउंड पत्थर थोड़ी ना ऐसे यूटी में हाफ एटी स्क्वायर तो ना फॉलो करती है, साउंड की स्पीड कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे इसमें, एस इज इक्वल टू वी टी में एस की जगह क्या पुट करेंगे, 19.6, साउंड को इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी के साथ वो निकालनी है, और कितने समय में ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, 0.05 है, तो 0.5 है यहाँ पे, 0.05, ये लो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है, ये बाद में करेंगे, ये नहीं भी, ये वाला। बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच, ये टिकमा करते जाना जो मैं क्वेश्चन कर लिए ना, ताकि याद रहेंगे, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। आप असाइनमेंट में टिकमा करते रहना कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो पिछले क्वेश्चन में टिकमा कर लेना, ठीक है। तो बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच इफ इट टेक्स टी सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। तो मतलब बॉल को यहाँ ड्रॉप किया, जमीन पे डिस्टेंस कवर्ड कितना है एच है, और टाइम टेकन कितना है कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी टाइम में उसने इसको हिट किया। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन टी बाय 3 सेकेंड। तो जब ये चली थी तो टी बाय 3 सेकेंड पे कहीं हवा में होगी, ये पोजीशन क्या है एच डैश बताना है। तो जब ये हाइट एच है पूरी जर्नी के लिए, आई कैन अप्लाई एच, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ जी टी स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन क्लियर है? अब मैं इस जर्नी के लिए अप्लाई करूंगा एच डैश जीरो हाफ जी टी बाई थ्री का स्क्वायर, है ना, एच डैश जो डिस्टेंस है टी बाई थ्री टाइम में, तो यहाँ टी बाई थ्री, तो टी स्क्वायर बाई 9 आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर 1/9 आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर किसके इक्वल है एच, तो आंसर क्या आ गया एच बाई 9। तो यानी कि टोटल जर्नी अगर एच है तो टी बाई 3 सेकेंड पे जर्नी कितनी कवर हुई,
एच बाई नाइन कहां से? ऊपर से। तो ग्राउंड से कितनी कवर हुई? एच माइनस एच बाई नाइन यानी कि 8h/9 फ्रॉम ग्राउंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लेना। ग्राउंड से डिस्टेंस पूछा तो ये मार्क करना, ऊपर से पूछा तो वो मार्क करना। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, होमवर्क नोट करो। तो इसके बेस पे सेम इक्वेशंस हैं, इसके बेस पे आपने क्या करना है? सब्जेक्टिव शीट नंबर, सबसे पहले 13 शीट में, ये शीट एक्स टी और वी टी ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा कि स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ या एक्स टी ग्राफ विल गिव वेलोसिटी। स्लोप सबने की हुई है, ट्राई करनी है, ये मुश्किल लग सकती है, मैं पहले बता दूं। कोई बात नहीं, आप ट्राई कर लें, नहीं होगी तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और 2 क्वेश्चन सेम है। इनसेट क्रॉलिंग अप 5 मीटर ऊपर 3 मिनट, वो ड्रंकर्ड वाला क्वेश्चन है, वो बंदा 5-3, 5-3, ये इनसेट 5-3 कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। ये करना है, थर्ड करना है, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ सिक्स्थ होगा, सेवन्थ रहने देना, एट्थ करना है, सेवन्थ मैं करवाऊंगा, एट्थ कर लो। ठीक, नेक्स्ट है 14th शीट में, सब्जेक्टिव में 6 क्वेश्चन है, सारे के सारे करने हैं। ये स्टोन वाले वर्टिकल मोशन वाले डिस्टेंस हैं, ठीक है, ये सारे करने हैं। ऑब्जेक्टिव शीट थोड़ी जल्दी होती है एज कम्पेयर टू सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आंसर दिखे होते हैं ना, हिट एंड ट्रायल भी चल जाता है। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक बन गई, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व थोड़ा करनी है, ऑप्शन डाल के पता लग जाएगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ जाता है, तो जल्दी हो जाता है। ये सारी करनी है, 4 नंबर बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। 5 भी दिए मैंने, और 5th क्वेश्चन भी सारी करने हैं, बस इतना सा काम है। ये लग रहा है, देखने में लग रहा है ऑब्जेक्टिव शीट में आधे क्वेश्चन शीट में हुए हैं, जितने क्वेश्चन हमने किए हुए हैं 50% क्वेश्चन आपको किए हुए मिलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।